सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। इसी के तहत कालांवाली की पुरानी मंडी में सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने एक नुक्कड़ सभा में भाजपा की उम्मीदवार बलकौर सिंह के पक्ष में वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि बलकौर सिंह ने विधायक रहते हुए बीजेपी को समर्थन दिया था। मुख्यमंत्री ने ईमानदार छवि वाले विधायक बलकौर सिंह को देकर टिकट दी है। वहीं दूसरी तरफ हमारे नेता ने अपना ग्राफ गिरा दिया था, उसको टिकट नहीं मिलने के कारण दूसरी पार्टी में चला गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाए हैं। उन्होंने कालांवाली हलके में बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी के बहकावे में ना आकर विधायक बलकौर सिंह को विधायक बनाकर भेजना है और कमल को खिलाना है, वहीं मनोहर लाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर आपने मुझे सांसद बनाकर भेजा था। सिरसा में भी लोकसभा में पहली बार कमल खिला था, उसी प्रकार आप बलकौर सिंह को विजयी बनाकर विधानसभा में भेजो। लोकसभा में मैं आपकी आवाज़ और बलकौर सिंह आपकी आवाज़ विधानसभा में आपके एक विधायक होने के नाते जरूर रखेंगे। कालांवाली से चांद सिंह गुर्जर की रिपोर्ट। यहाँ की जनता ने मुझे 21,000 की लीड देकर बड़ी पंचायत के अंदर पहुँचाया। मैं ये चाहती हूँ कि इस लीड को वो कम से कम दुगना तो जरूर कर दे, तो 42,000 की लीड से यहाँ से कम मैं चाहती हूँ कि बलकौर सिंह जी को जिताकर और वो विधानसभा में। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे ईमानदार छवि के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी वंशवाद के, बिना किसी क्षेत्रवाद के हर जगह का विकास, 90 की 90 विधानसभाओं का विकास करवाया है। हम बड़े गर्व के साथ कर सकते हैं कि ऐसे हम मुख्यमंत्री जो हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं कि जिन्होंने हर जगह का विकास करवाया। 90 की 90 विधानसभाओं में वो खुद गए। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भी आपने देखा होगा कि वो हर गांव-गांव में, हर जगह जगह पर, हर विधानसभा के अंदर 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर पहुंचे। तो ये ऐसा मुख्यमंत्री जो 2.5 करोड़ जनता को अपने बच्चों की तरह, अपने परिवार की तरह समझता है, तो उसी ने विकास करवाए हैं। ये किसी के पपोती नहीं है, किसी के घर से या किसी की, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है। और जहां तक मैं उनको समझती हूँ, वो हर ईमानदार छवि के जो है इंसान को, उसको राजनेता को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह की छवि हमारे बलकौर सिंह जी की है, तो मुझे लगता है कि जरूर इन पर अपना आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी, जो उन्होंने, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि ये उनके जो परिवार की कहीं कोई किसी तरह की इनपुट माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आई थी, उसके बाद उन्होंने उसकी CID करवाई, उसकी वेरिफिकेशन करवाई, और उसी के कारण, जैसा कि उन्होंने बताया है, ये बहुत बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से उनकी टिकट जो है उनको यहाँ से नहीं मिल पाई। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बलकौर सिंह जी पे विश्वास व्यक्त करके इनको अपनी पार्टी में शामिल करवाया और इनको यहाँ से कमल का फूल